हेलो स्टूडेंट्स बेटा, आज हम लोग वेक्टर की एक्सरसाइज एनसीईआरटी की जो एक्सरसाइज है वेक्टर की एक्सरसाइज नंबर 10.2 इसके बारे में डिस्कशन करेंगे। ठीक है, तो आइए कुछ क्वेश्चंस लेते हैं 10.2 के, ताकि आपको वेक्टर के जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो क्लियर हो जाएं कुछ। तो आइए शुरू करें। चलिए ठीक है, तो मैं पहला क्वेश्चन लिखता हूँ। क्वेश्चन नंबर वन है बेटा, क्वेश्चन नंबर वन एनसीईआरटी की एक्सरसाइज 10.2। क्वेश्चन नंबर वन क्या है कि हमारे पास एक वेक्टर है, वेक्टर ए इक्वल्स टू आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप। आपको क्या करना है, आपको इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड फाइंड करना है। ठीक है, मैं फर्स्ट पार्ट ले रहा हूं, बाकी के पार्ट आप खुद कर लेना। इसने पूछा है वी हैव टू फाइंड मैग्नीट्यूड, हमें इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालना है। तो आपको बड़ा अच्छे से पता है किसी भी वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या होता है। देखो, हमने फॉर्मूला पढ़ा था, अगर एक वेक्टर है कोई ए वन आई कैप, ए टू जे कैप और ए थ्री के कैप, तो इस वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड होता है वो होता है अंडर रूट ऑफ ए वन स्क्वायर प्लस ए टू स्क्वायर प्लस ए थ्री स्क्वायर। तो ये तो हमारा फॉर्मूला है। अब हमारे पास वेक्टर है ए वेक्टर इक्वल्स टू आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप, तो बेटा इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या होगा, इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड होगा अंडर रूट ऑफ आई के कॉफिशियंट का स्क्वायर, कॉफिशियंट ऑफ आई है वन, कॉफिशियंट ऑफ जे ये भी वन है एंड कॉफिशियंट ऑफ के ये भी वन है। तो हमारे वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड क्या आ गया, इट इज अंडर रूट थ्री। ये आंसर होगी। तो आपका जो पहला क्वेश्चन है वो तो सिर्फ इतना ही कहता है, तो पहले क्वेश्चन में तो आपको सिर्फ ये करना है। ठीक है, तो आपका क्वेश्चन नंबर टू है, क्वेश्चन नंबर टू बेटा ये है, राइट टू डिफरेंट वेक्टर हैविंग सेम मैग्नीट्यूड। क्वेश्चन नंबर टू क्या है, राइट टू डिफरेंट वेक्टर्स हैविंग सेम मैग्नीट्यूड, जिनका मैग्नीट्यूड सेम। देखो, तो दो डिफरेंट वेक्टर लिखने हैं जिनका मैग्नीट्यूड सेम हो, तो कोई भी दो डिफरेंट वेक्टर ले सकते हो, वो आपकी चॉइस, लेकिन उनका मैग्नीट्यूड सेम निकलना चाहिए। फॉर एग्जांपल, जैसे मान लीजिए मैंने लिया वेक्टर ए इक्वल टू आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप, अगर मैं इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड फाइंड करूं तो मुझे मिलेगा अंडर रूट ऑफ वन स्क्वायर प्लस वन स्क्वायर प्लस वन स्क्वायर, यानी कि इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड मिलेगा मुझे अंडर रूट थ्री। इसी तरीके से अगर मैं एक वेक्टर बी लेट कर लू अपनी मर्जी से आई कैप माइनस जे कैप माइनस के कैप, और अगर मैं इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालू तो इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड मुझे कितना मिलेगा, वन का स्क्वायर माइनस वन का स्क्वायर और माइनस वन का स्क्वायर, तो इसका मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर कितना आ गया, इट इज ऑल्सो अंडर रूट थ्री। तो आप ध्यान दो कि इन दोनों का मैग्नीट्यूड तो सेम है, लेकिन ये दोनों वेक्टर आपस में, दोनों वेक्टर कैसे वेक्टर है, दोनों वेक्टर डिफरेंट वेक्टर है ना। तो इससे बात प्रूव हुई कि अगर उसने कहा कि दो डिफरेंट वेक्टर लिखो जिनका मैग्नीट्यूड सेम हो, तो ये दोनों वेक्टर डिफरेंट ले ली। आप अपनी चॉइस अपने हिसाब से भी ले सकते हैं, बस ये ध्यान रखना है कि फाइनली हमारा जो मैग्नीट्यूड है वो सेम होना चाहिए दोनों वेक्टरों का। ठीक है, इस क्वेश्चन में ज्यादा कुछ बात नहीं थी। इसके बाद जो क्वेश्चन नंबर आपका थ्री है वो क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर थ्री ये कहता है बेटा कि आपको ऐसे दो वेक्टर लिखने हैं, राइट टू डिफरेंट वेक्टर हैविंग सेम डायरेक्शन, ऐसे दो डिफरेंट वेक्टर लिखिए जिनकी डायरेक्शन सेम हो। ठीक है, जिनकी डायरेक्शन सेम हो, डायरेक्शन सेम का मतलब क्या हुआ कि ऐसे दो वेक्टर लिखो जिनका जो है मैग्नीट्यूड तो हो सकता है डिफरेंट, है ना, डिफरेंट मैग्नीट्यूड, डिफरेंट वेक्टर हो लेकिन उनके डायरेक्शन सेम हो। देखो, डायरेक्शन सेम का मतलब हुआ कि ऑब्वियस बात है दोनों वेक्टर एक ही डायरेक्शन में होंगे, यानी कि पैरेलल वेक्टर हो सकते हैं। तो सपोज करो ए वेक्टर आपने ले लिया, लेट वेक्टर ए इक्वल टू आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप, और दूसरा वेक्टर आप अपनी मर्जी से ले सकते हो, सपोज करो आपने ले लिया टू आई कैप प्लस टू जे कैप प्लस टू के कैप, तो ये दोनों वेक्टर डिफरेंट वेक्टर है लेकिन इनकी डायरेक्शन सेम है। कैसे पता चला डायरेक्शन सेम है, कि अगर आप बी वेक्टर में से टू को कॉमन ले लोगे तो ये हो जाएगा आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप, तो इसका मतलब है बी वेक्टर हमारे पास आ गया टू टाइम्स ऑफ वेक्टर ए, तो इन दोनों वेक्टर की डायरेक्शन सेम है लेकिन वेक्टर बी जो है वो टू टाइम्स है वेक्टर ए का। तो थर्ड क्वेश्चन यही कह रहा है कि दो डिफरेंट वेक्टर लिखो जिनका डायरेक्शन सेम हो, डायरेक्शन सेम का मतलब ये होता है कि जिनके डायरेक्शन रेशियो सेम हो,
है ना, ये ध्यान रखना है कि डायरेक्शन सेम होने का मतलब वो ना कहना चाह रहा है वो कि आपके दोनों वेक्टर का a1 अपॉन a2, p1 अपॉन b2 और c1 अपॉन c2 सेम हो। तो देखो 1 अपॉन 2 और 1 अपॉन 2 तो रेशियो सेम है, तो ये दोनों वेक्टर है तो डिफरेंट लेकिन इनका जो डायरेक्शन है वो सेम है। लेट्स सी, इस क्वेश्चन में इतना ही है, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में आगे क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, फिलहाल इस वीडियो को मैं इतना छोटा रखता हूँ, ठीक है। कोई डाउट हो तो आप इसमें पूछ सकते हैं वैसे। ओके बेटा, थैंक यू।